डिडवाना से होकर गुजरने वाली दिल्ली सराय रोहिल्ला जोधपुर सालासर एक्सप्रेस के आरक्षित कोच में एक दंपत्ति के दो मोबाइल चोरी होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जीआरपी पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जीआरपी पुलिस के अनुसार जोधपुर निवासी बाबूलाल माली ने रिपोर्ट में दर्ज करवाते हुए बताया कि वह गत 8 अगस्त को दिल्ली सराय रोहिल्ला से जोधपुर के लिए ट्रेन के कोच नंबर S3 में यात्रा कर रहे थे, लेकिन उसके उन्हें नींद आ गई और वे सो गए। डिडवाना पहुंचने पर जब दोनों की नींद खुली तो देखा कि उनके मोबाइल गायब थे। उन्हें पास में बैठे यात्रियों से पूछा लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली, जिस पर उन्होंने डिडवाना स्टेशन पर तुरंत TTE को सूचना दी और GRP थाने में भी इसका मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद GRP पुलिस भी इस अज्ञात मोबाइल चोर की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि ट्रेनों में चोर गिरोह सक्रिय होने से कई यात्रियों के सामान चोरी हो जाते हैं और वे भारी मुसीबत में पड़ जाते हैं। आपको बता दें कि इससे पूर्व में भी 17 अगस्त को साहिल नाम के सैनिक के भी ट्रेन में दस्तावेज चोरी होने का मामला सामने आया था, जिसका अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है।